हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एनएलएम के कुछ क्वेश्चंस की शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है ऐसा कि एक पुली से एक पुली सिस्टम आपको बता रखा है यहाँ पे ऐसा एक पुली अटैच्ड है इस पुली पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है इस तरीके से जहां पे एक मास इधर रखा हुआ है और एक मास यहाँ पे रखा हुआ है जिसके ऊपर एक छोटा सा मास और रखा हुआ है ये मास कैपिटल एम है ये स्मॉल एम मास है ठीक है ऐसा सिचुएशन है दोनों तरफ वाले इक्वल हैं जो बड़े बड़े मासेज हैं कैपिटल एम उसके ऊपर एक छोटा सा मास स्मॉल एम भी रखा हुआ है ठीक है पूछा गया आपसे भाई इन सबकी वैल्यू आपको दे रखी है कैपिटल एम इज हंड्रेड ग्राम्स जो स्मॉल एम है वो फोर्टी ग्राम्स है

ठीक है बात क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ फार विल ईच ब्लॉक मूव इन द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द 40 ग्राम ब्लॉक इज रिमूव्ड मतलब दो सेकंड बाद जब इसको रिमूव किया तो t इक्वल टू टू से t इक्वल टू थ्री तक ये आपका पहला क्वेश्चन है कि दोनों ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना दूर ये मूव करते हैं इस दो से तीन सेकंड के बीच में रे बात एक क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट वाज द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिफोर द 40 ग्राम ब्लॉक वाज रिमूव्ड तो पूछी गई आपसे टेंशन इन द स्ट्रिंग दूसरा क्वेश्चन इज टी कब से कब तक जीरो से टू के बीच में जब वो ब्लॉक उस पर रखा हुआ था तब इसमें स्ट्रिंग इस में टेंशन कितनी थी ठीक है और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द टेंशन द सपोर्टिंग पुली दिस टी डैश जो ऊपर वाला स्ट्रिंग है वो कितना है फोर्टीग्राम ब्लॉक जब ब्लॉक रिमूव कर दिया तो उसके बाद वो टी डैश कितना है ये आपसे तीन क्वेश्चन इस पूरे में पूछे गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं काम अपना है एफबीडी बनाना एफबीडी बनाते हैं तो अपने को पता है कि जब ये रखा हुआ है तो ये एम जो है इस पे टेंशन फोर्स इधर लग रहा है इसका नीचे एम इधर लग रहा है और इसका एक्सलरेशन होगा ऊपर की तरफ क्योंकि यहां पे टोटल एम प्लस एम रखा हुआ है जिसपे नीचे लग रहा है एम प्लस एम इंटू जी ऊपर इस पे भी लग रही है टेंशन फोर्स और इसका है नीचे की तरफ ये बात पता ही है यहाँ से हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि दिस टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए और यहां से लिखा जा सकता है एम प्लस एम इंटू जी माइनस टी इक्वल टू एम प्लस एम

जो आपका एक्सेलरेशन वाली चीज बस्ती है वो क्या बचता है इधर आया आपके पास एम जी ये कैप इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा टू टाइम्स एम ए प्लस स्मॉल एम ए आपको ए मिलता है यहां से एम बाई टू एम प्लस एम इन टू जी दिस इज एक्सेलरेशन जो आपको यहाँ से मिल रहा है सबके वैल्यूज आपको पता है कैपिटल एम की जगह आप 100 ग्राम्स डालेंगे स्मॉल एम की जगह 40 ग्राम्स डालेंगे आप फाइनल आंसर यहाँ से निकाल सकते हैं तो 40 बाई टू ये बनेगा एक्चुअली जी बाय सिक्स तो एक्सेलरेशन आपको मिल गया जी बाय सिक्स ठीक है टेंशन यहाँ से मिल जाएगी अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो टेंशन विल बी एम टाइम्स ए प्लस जी इज जी बाय सिक्स जी बाय इज सेवन जी बाय सॉरी uh, उल्टा लिख लिया अपने इसको सेवन जी बायस ऐसा तो टेंशन मिल गई आपको सेवन बाई सिक्स टाइम्स एम जी तो आपका इसमें कुछ आंसर इसमें क्लियर हुए जैसे टेंशन आपको मिल गई जीरो से टू के बीच की विच इज सेवन बाई सिक्स एम जी एक क्वेश्चन क्लियर एम की वैल्यू डाल दीजिए फाइनल आंसर बता दीजिए ओके okay? जब से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लॉक रिमूव करने के बाद और जब से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी है ब्लॉक रिमूव करने के बाद तो चलिए देखते हैं अच्छा ब्लॉक रिमूव करने से पहले की अगर बात करें तो ये जब चलना शुरू कर चुके हैं तो इनके पास कुछ वेलोसिटी भी आ गई होंगी तो अगर मैं बात करता हूँ इस एम प्लस एम की इसके पास कितनी वेलोसिटी आई होगी तो इसका नीचे एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है विच इजी बाई सिक्स शुरू हुआ था ये इनिशियल स्पीड जीरो से तो इसका दो सेकेंड बाद जो फाइनल स्पीड हो जाएगी वो जाएगी वी इक्वल टू यू प्लस एटी a is 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 g g g by 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 6 into 2 2 which 3 3 meter meter per per second second 10 10 this velocity at t equal to 2. अब अपन बात करते हैं जब इस ब्लॉक को रिमूव कर दिया मतलब टाइम जो है वो दो से ज्यादा है after two seconds. जब कर दिया तो अब अगर मैं दोनों तरफ का body डायग्राम बनाता हूं तो ये m ये है ये m ये है

जो नीचे जा रहा है वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगा जो ऊपर जा रहा है वो दूसरा वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा दोनों की वेलोसिटीज पे सेम रहेगी एक नीचे एक की ऊपर तो जितनी वेलोसिटी यहाँ पे अपने को मिली थी टेन बाई थ्री से अब दोनों मूव करेंगे तो हम सीधा सीधा अपना आंसर दे सकते हैं कि ये जो नीचे जा रहा है इसकी वेलोसिटी है टेन बाई थ्री मीटर पर सेकेंड एक सेकंड में कितना नीचे जाएगा तो एस इक्वल टू यू टी एक्सन तो जीरो है टेन बाई थ्री मीटर्स ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट और ऐसे ही इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा टेन बाई थ्री मीटर्स क्लियर बात और आपसे पूछी गई टेंशन यहाँ पे टेंशन है सीधा सीधा एम के बराबर तो टी इक्वल टू एम आपसे टेंशन पूछी गई थी पुली के ऊपर वाली स्ट्रिंग में तो पुली का अगर एफ बनाते हैं तो ये टी रैश है यहाँ पे एक टी लग रही है और यहाँ पे एक टी लग रही है तो टी डैश इज इक्वल टू टू टी हमने कल भी बात करी थी तो टी डैश का आंसर आएगा टू टाइम्स एम जी एम के वैल्यू हंड्रेड ग्राम से जी की वैल्यू टेन है आप सीधा से अपना आंसर बता सकते हैं ठीक है कोई खास बात नहीं पूरे क्वेश्चन में आसानी से क्वेश्चन किए जा सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया चलिए बात करते हैं थोड़ा स्प्रिंग के बारे में ठीक है स्प्रिंग्स वैसे तो हमने पढ़ ली हमने बोला कि भाई स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो होता है के एक्स के बराबर और एक्चुअली माइनस के एक्स के बराबर क्योंकि वो हमेशा अपोज करता है तो आपके सामने कैसा क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग यहाँ पे रखी हुई है ऐसी अगर मैं इस पर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ दूसरी तरफ से फ्री है तो क्या इसमें कोई एक्सटेंशन आएगा भाई दूसरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है फोर्स सिर्फ इस तरफ से है तो क्या इसमें कोई एक्सपेंशन होगा क्या इसमें कोई एक्सटेंशन आएगा या ये पूरी की पूरी स्प्रिंग्स मूव करना शुरू कर देगी आगे की तरफ ऑब्वियसली पूरी स्प्रिंग आगे की तरफ मूव हो जाएगी तो अगर मेरे को एक स्प्रिंग में एक्सपेंशन या कंप्रेशन करना है तो मुझे दोनों तरफ से फोर्स लगाने पड़ते हैं तभी जाके ये स्प्रिंग इस तरीके से एक्सपेंड हो पाएगी ठीक है बात जब तक दोनों तरफ से फोर्स नहीं है ये सिर्फ मूव करेगी इसमें एक्सपेंशन या कंप्रेशन का कोई रोल नहीं रहेगा तो जब दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं इसका मतलब ये कि या तो आप इसे एक तरफ से फिक्स कर दीजिए और दूसरी तरफ से फोर्स लगाइए

Kx के बराबर यहां तक तो बहुत सारी बातें कर चुके हैं दिस के इज अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ठीक है दिस के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट जो कि इसके मटेरियल पे इसके स्ट्रक्चर पे इसके लेंथ पे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ओके okay. अगर आपको F और x का ग्राफ बनाने को बोला जाए तो कैसा बोलोगे कि भाई ये जो एक्सपेंशन है और फोर्स है तो ये ग्राफ बिल्कुल प्रोपोर्शनल ऐसा बनेगा

कॉम्बिनेशन मतलब आपने इसे बताया पहला है ठीक कैसा कनेक्शन होता है ये कि अगर ये स्प्रिंग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है दो स्प्रिंग्स इनसे एक मास कनेक्टेड है ऐसा और ये मास जो है एक फोर्स लगा रहे हैं एफ आगे की तरफ ये जो स्प्रिंग्स हैं इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अलग अलग है के वन और के टू आपसे पूछा गया कि के इक्विवेलेंट बताइए फॉर दिस सिस्टम अभी के इक्विवेलेंट क्या होता है इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब ये कि इन दो स्प्रिंग्स को हटा के अगर मैं एक स्प्रिंग लगाना चाहूं तो वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे ऐसा स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे चाहिए ऐसी स्प्रिंग में इन दोनों को हटा के लगा दूस एक स्प्रिंग जो सेम इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस करे तो उस स्प्रिंग का का स्प्रिंग स्प्रिंग कहलाता है है इन दोनों इक्विवेलेंट ठीक तो कैसे कैलकुलेट करें तो पैरल में जब है तो ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एक्सपेंशन होगा मान लीजिए आप ब्लॉक आगे मूव किया तो मान लीजिए वाई डिस्टेंस से ये ब्लॉक आगे की तरफ चला तो इन दोनों स्प्रिंग्स का जो एक्सपेंशन होगा जो लॉन्गेशन होगा वो वाई के बराबर होगा दोनों में लॉन्गेशन सेम होने वाला है यहां तक बात क्लियर

वॉल में था तो इसका भी एक वॉल में था इसका दूसरा इस मास के साथ था तो इसका भी दूसरा इस मास के साथ था तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं कनेक्शन ठीक बात है चलिए आगे अगर बढ़े आपसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा कि एक मास यहाँ पे रखा हुआ है और एक स्प्रिंग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है एक स्प्रिंग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्टेड है इस कनेक्शन को आप कैसा कनेक्शन बोलेंगे क्या ये पैरेलल कनेक्शन है या सीरीज कनेक्शन है

कनेक्शन होता है क्वेश्चन में कई बार इसमें गड़बड़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ भी अगर आपके इक्वलेंट लिखेंगे तो का दा लिखेंगे, के आप सीधा सीधा लिखेंगे के आतेज कनेक्शन पे सीरीज कनेक्शन क्या बोलता है कि भाई अगर स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है एक स्प्रिंग यहां हो गई उससे आगे दूसरे स्प्रिंग कनेक्टेड है ऐसा और ये मास यहां पे रखा हुआ है जो इस पे स्लाइड कर रहा है ये K2 है ये K1 है इस बार आपसे पूछा गया कि कितना है वही बात है ठीक है इस बार आपसे पूछा गया बताइए K इक्विलेंट कितना होना चाहिए तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है कि अगर फोर्स एफ लग रहा है तो जो दो स्प्रिंग्स हैं उन दोनों पे भी फोर्स एफ लग रहा होगा तभी एलोंगेट होंगे भी फोर्स ऐसा लग रहा होगा एफ के बराबर इस पे भी फोर्स ऐसा लग रहा होगा एफ के बराबर इस तभी इसमें एलोंगेशन होगा और दोनों स्प्रिंग सीरीज में है मतलब इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो सेम है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ जो फोर्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा के वन वाई वन यहाँ फोर्स लिखा जाएगा के टू वाई टू क्योंकि दोनों का एलोंगेशन तो अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के लिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट अलग अलग है

10th में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी पढ़ के आए हैं तो आपने रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में पढ़ा था जस्ट अपोजिट वे में अपना फॉर्मूला दिखाते हैं यहाँ सीरीज़ में वन बाई चल रहा है वहां पे पैरेलल में वन बाई चलता था ठीक है तो अगर आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मुला याद है तो आप उसका जस्ट अपोजिट करके यहाँ पे स्प्रिंग के फॉर्मुला भी याद कर सकते हैं ठीक बात है चलिए तो इस टाइप के जो आपको कॉम्बिनेशन मिलेंगे आप सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं और, से एक बात है और कि जब आपने कॉम्बिनेशन बनाए तो पैरल कॉम्बिनेशन जब थे तो के इक्विलेंट जो है वो ज्यादा हो रहा है सारी चीजें ऐड हो रही हैं के वन प्लस के टू प्लस के थ्री मतलब इक्विलेंट जो के बनेगा वो इन सबसे ज्यादा बनेगा जबकि सीरीज में जब आपने इनको ऐड किया तो सीरीज में जो इक्विलेंट बनेगा वो इन सबसे छोटा बनेगा इंडिविजुअल के से भी छोटा जो है इसका आएगा जैसे आप यहाँ देख लीजिए कि एक टू अगर फोर है, है तो आप अगर वन बाई के इक्वल थ्री बाई फोर तो के तो मिलता है फोर बाय थ्री विच इज वन पॉइंट समथिंग थ्री थ्री तो देखिए तो स्प्रिंग जब सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो उसका के है वो उन दोनों इंडिविजुअल के से भी कम हो जाता है मतलब वो आता है, टू प्लस फोर सिक्स के बराबर तो पैरेलल में जो इक्वलेंट एक, आया वो उन दोनों इंडिविजुअल से भी ज्यादा आता है तो ये कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है इस बात का ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन आपसे पूछा गया ऐसा कि एक मास यहाँ पे है स्मॉल बीच में स्प्रिंग कनेक्टेड है और एक मास यहाँ पे है कैपिटल एम दोनों सेम फ्लोर पे रखे हुए हैं इस आप एक फोर्स लगा रहे हैं एफ ठीक है F, और इसमें पीछे की तरफ भी आपने एक फोर्स लगा दिया small ऐसा मान लीजिए ठीक है अब मान लेते हैं कि ये है न्यूटन uh, और ये है इसका इसका मास आपको दे रखा है 1 kg, इसका मास आपको आपको दे दे रखा रखा है टू के जी ठीक है आपसे पूछा गया बताइए ये स्प्रिंग फोर्स कितना है इन दिस कंडीशन स्प्रिंग फोर्स कितना है ये आपका क्वेश्चन है ठीक है तो स्प्रिंग फोर्स निकालने का जिसमें तरीका है वो बड़ा आसान सा तरीका है तरीका क्या है कि पहले आप इस पूरे सिस्टम को एक मान लीजिए ये पूरा सिस्टम आपका एक सिस्टम है क्योंकि देखिए जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है वो इसको इस तरफ खींचेगा और इसको इस तरफ खींचेगा अगर मैं पूरे सिस्टम को एक मान लेता हूं तो ये जो दोनों फोर्स अंदर बन रहे हैं इनको कहते हैं इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस मिलके हो जा रहे हैं जीरो इस पूरे सिस्टम के लिए तो जो

क्लियर बात क्या स्प्रिंग फोर्स उस पर भी सेम आना चाहिए था चेक कर लो दूसरे वाले ब्लॉक का एफपीडी बना दो बना दोजी का इसपे स्प्रिंग ऐसा चेक कर लो जल्दी से तो यहाँ लिखेंगे जल्दी से तो स्प्रिंग फोर्स आपको मिलता है फाइव बाई थ्री प्लस फाइव अगेन 20 3 तो स्प्रिंग फोर्स दोनों पे सेम ही लगना चाहिए क्योंकि एक ही स्प्रिंग है दोनों तरफ सेम लगेंगे, तो आप चाहिए जो भी बीच में स्प्रिंग और ये कैपिटल एम मैंने इधर भी एफ लगा दिया इधर भी एफ लगा दिया अब क्या होगा अब क्या होगा इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो तो हो जाएगा जीरो क्यों क्योंकि अगर इस पूरे सिस्टम को देखा जाए तो स्प्रिंग फोर्स तो हो गया इंटरनल फोर्स और इंटरनल फोर्स मिलके हो जाते हैं जीरो इक्वल एंड अपोजिट और बाहर वाले फोर्स देखो तो वो भी जीरो हो रहे हैं एक एफर एक एफ उदर, तो नेट फोर्स इस पे आ रहा है जीरो तो एक्सेलरेशन हो गया जीरो बट इट मीन कि इसका जो है एक्सपेंशन नहीं होगा एक्सपेंशन होगा ये जो सिस्टम बनेगा वो सिस्टम कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये एम यहां तक पहुंच जाएगा ये एम यहां तक पहुंच जाएगा और ये स्प्रिंग में भी एक्सपेंशन होगा ऐसा सिस्टम बनेगा लेकिन इसका एक्सेलरेशन जीरो रहेगा तो यहाँ से हम सेंटर ऑफ मास को आगे पकड़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के के बाद कुछ के बाद चैप्टर कि सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां से मूव नहीं करेगा अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां है तो अभी भी, भी यहाँ रहने वाला है तो ये बात हम आगे करेंगे पर फिलहाल इसमें एक्सपेंशन होगा और वो एक्सपेंशन कैसे निकाला जाएगा तो सीधा सा हिसाब है इसमें स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा ये आप किसी भी एक का एफ बी बनाते हैं तो इधर अगर फोर्स एफ लग रहा है तो अंदर स्प्रिंग फोर्स लगेगा

डिस्कशन हम आगे इस पे पूरा करने वाले हैं ठीक है चलिए तो बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने किए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन इस बार आपको कह रहा है कुछ ऐसा कि एक सिस्टम है एक सेटअप ऐसा है वही यहाँ पे एक पुली लगा रखी है यहाँ पे इससे एक मास बंधा हुआ ऐसा ठीक है जो इस तरफ नीचे वाला सिस्टम है यहाँ स्ट्रिंग के बाद एक स्प्रिंग लगा दिया अपने और इस स्प्रिंग से एक मास बांध दिया ऐसा ओके इस तरीके का आपका प्रश्न है और ये जो मास है यहाँ पे टच भी कर रहा है अपन इसको ऐसा भी मान लेते हैं कि ये जो मास है ये यहाँ पे कॉन्ट्रेक्ट में भी है ऐसा इस वॉल से भी कॉन्टेक्ट में है ये मास ठीक है ये मास बी है ये मास ए है अब आपसे पूछा गया इस बार अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया और सारी सर्फेस स्मूथ है सब फ्रिक्शन लेस है आइडियल पुली है

के जो भी आपको दे रखा है वहां से आप इस स्प्रिंग का इलांगेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है बात क्वेश्चन क्लियर है सारे इस स्प्रिंग पे क्वेश्चन बनते हैं आसान से क्वेश्चन होते हैं आराम से किए जा सकते हैं ठीक चलते हैं आगे इस बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्हीकल है ऐसा इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है नीचे पहिए लगे हुए हैं और वो सरफेस पे चल रहा है ठीक है एक्सेलरेशन है इस व्हीकल का इस तरफ विद ए इसके अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है यहाँ पे बंदा है बी यहाँ पे एक मास लटका हुआ है स्ट्रिंग से ठीक है ये मास है एम एक मास यहाँ पे है जो व्हीकल से बाहर है उसका मास भी है एम इसका नंबर दे दो वन इसका नंबर दे दो टू ठीक है और यहाँ पे एक रोड पे भी एक बंदा खड़ा हुआ है जो व्हीकल से बाहर है ये बंदा है ए अब इस क्वेश्चन में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे सूडो फोर्स के और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्वेश्चन आपसे पहले पूछ रहा है कि व्हाट आर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम्स ऑफ 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 द पेंडुलम ठीक है रेट चेंज मोमेंटम मतलब फोर्स क्लियर बात तो वन और टू पे नेट फोर्स कितना है ये पूछा गया एज ऑब्जर्व फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ए एंड बी रेस्पेक्टिवली ए के हिसाब से और बी के हिसाब से ए वन और टू पे नेट फोर्स कितने कितने हैं ये आपका क्वेश्चन है ठीक बात तो चलिए करते हैं अगर मैं a के रेफरेंस की बात करूं तो ए खड़ा है ग्राउंड ग्राउंड पे इनर्शियल फ्रेम तो यहाँ पे कोई सोरू फोर्स की बात नहीं होगी ठीक है तो अगर मैं वन की बात करता हूँ तो वन ऐसा है ऊपर इस पे एक नीचे इस पे एम है और इस पूरे का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है ए क्योंकि इस व्हीकल के साथ ये ब्लॉक भी तो आगे मूव करेगा तो इसका एक्सोजेशन है ए इस तरफ तो अगर इस पर नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स कितना आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्वल टू तो एम जी खत्म हो गया तो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एम ए के बराबर एफ इक्वल टू तो एम ए इन दिस डायरेक्शन ठीक है ये हो गई ब्लॉक वन की बात अगर ब्लॉक टू की बात की जाए तो ब्लॉक टू जो है वो स्टेशनरी है वो व्हीकल में नहीं है तो इसके लिए ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे इस पे लग रहा है है और उसका एक्सेलरेशन भी जीरो जीरो तो इस पे जो की बात होगी होगी वो क्योंकि वर्टिकल तो टी इक्वल टू टीवल बैलेंसड है ऑरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं है नेट फोर्स इस पे आएगा जीरो के बराबर एज ऑब्जर्व फ्रॉम ए अब अगर बी के ऑब्जर्वेशन की बात करें तो बी के लिए ये जो व्हीकल में कनेक्टेड है उसकी अगर बात करता हूं तो उस पर लग रहा है टेंशन नीचे लग रहा है एम और क्योंकि बी खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में है क्योंकि वो उस वैकल में है जो एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है तो यहां पे एक सूडो फोर्स लगेगा इस पे पीछे की तरफ विच इज एम ए तो अगर बी के हिसाब से बात की जाए तो इस ऑब्जेक्ट पे एक नेट फोर्स है एम ए इस डायरेक्शन में बट

इन दिस डायरेक्शन तो यस फोर्स जो है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करते हैं ये बात हमेशा अपने को ध्यान रखनी चाहिए यहां हमने जो ए के लिए लिखा उसमें एक बात यह है, कि इसका जो है वो हमें नहीं पूछा गया हमें पूछा गया था इस पर नेट फोर्स तो यहाँ भी इसका जो नेट फोर्स है वो होगा जीरो के बराबर क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा इसपे वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो यहाँ भी नेट फोर्स जीरो होगा विद ऑब्जर्वर ए जबकि बी के बी हिसाब से दोनों के एक सूडो फोर्स लगेंगे टू अपोजिट द ऑफ ठीक है सारे क्वेश्चन यहाँ तक चलिए तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट मोशन की उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और शुरू करेंगे अपना फ्रिक्शन का अगला टॉपिक ठीक है चलिए मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय